हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज आप सभी के साथ मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिन वजह से आपका सारा पैसा डूब सकता है। स्टॉक मार्केट के कुछ डार्क सीक्रेट्स जिसके चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं, एंड ऐसे कौन कौन से रीजंस या कौन कौन से तरीके हैं कि जिस तरीके से आप लोग बर्बाद हो सकते हो। मैं आपके साथ जितनी भी ये चीजें शेयर करूंगा, अगर आप वो फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम कुछ नहीं तो 60-70% पैसा अपना सेव कर सकते हो। देखिए, बात बहुत बड़ी है, जितनी जल्दी समझी जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स आप सभी के सामने रखूंगा। एंड दो दिन पहले, इनफैक्ट कल आई थिंक, सेबी ने भी एक फ्रॉड पकड़ा है। एंड उस तरीके के फ्रॉड तो होते ही होते हैं मेनली, शायद आपको वो एक फ्रॉड जो ऊपर से पता चला हो वो, बट यहां बहुत सारे तरीके होते हैं जहां से आपको बर्बाद किया जा सकता है। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा एंड डेफिनेटली आप इसको फॉलो करोगे, मुझे यकीन है। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको ना यार प्लीज लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस, अभी वीडियो स्टार्ट हुए, लगभग 1-1.5 मिनट हुआ है। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये सारी बातें सुनने के बाद प्लीज यार अगर इन्हें फॉलो करो तभी आगे वीडियो कंटिन्यू करना। इनफैक्ट जब आप बातें सुनोगे तभी आपको समझ में आएंगी कौन सी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जितनी भी मैं चीजें बताऊं उनमें से मिनिमम कम से कम आधी तो फॉलो कर ही लेना ताकि आप कहीं ना कहीं फ्रॉड होने से बचा सको अपने पैसे को। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्रॉड होता है मैन्युपुलेशन, जिसे कहते हैं। क्या करते हैं कि स्टॉक को एकदम गोली की तरह, मतलब रॉकेट की तरह ले जाया जाता है ऊपर, जहां पे ऊपर से बायर्स बैठा देते हैं, प्रमोटर्स ही बैठ जाते हैं खुद बाइंग पे, एंड या फिर अपने कुछ लोगों को बैठा देते हैं फंड देके, एंड वो लोग खरीदते हैं, एंड आप लोग उस स्टॉक की तेजी देखकर उसमें इंटरेस्ट जगने लगता है आपका, एंड इंटरेस्ट लेने लगते हो एंड खरीदने लगते हो। एंड वो स्टॉक आपके सामने कैसे आता है? देखिए, मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, आप तक कैसे पहुंचेगा? हो सकता है आप 52 वीक हाईज पे डायरेक्ट जाके मनी कंट्रोल पे चेक कर दो तो वो स्टॉक का नाम आने लगता है। हो सकता है आप अपर सर्किट वाले स्टॉक चेक करने लगे तो वो स्टॉक का नाम आ सकता है। मतलब आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना पैसा बर्बाद करने के लिए, इतनी इजीली नहीं होते। ऐसा तो यानी टीसीएस में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। 11 लाख करोड़ का माल कौन, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आ जाओ कर लो मैन्युपुलेट, कर पाओ तो हिम्मत है तो चट्टी उतर जानी है, मैं आपको बता दूं। रिलायंस को कर लो मैन्युपुलेट कर सकते हो तो 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, करके तो दिखाओ। मार्केट कैप जिनका कमजोर होता है 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इनमें ही मैन्युपुलेशन होता है भाई। और ये स्टॉक आप तक कोई नहीं पहुंचाता, आप रिसर्च करके पहुंचते हो इन स्टॉक तक। मैं अगर बिल्कुल भी झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए, आप खुद चेक करते हो 52 वीक हाई स्टॉक्स एंड पेनी स्टॉक्स में चले जाते हो, नीचे जाते जाते आप लिस्ट चेक करते हो अपर सर्किट वाले, यार भाई सर्किट लग रहा है, दैट मींस केवल बायर है, एंड केवल बायर्स हैं, दैट मींस कुछ तो घपला चल रहा है भाई, कुछ तो है, कंटिन्यू जा रहा है ऊपर, कोई खबर। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लो, बच जाओगे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में केवल और केवल पब्लिक ही दिख रही है ना, छोड़ दो, प्रमोटर्स के पास 50% प्लस है, तो एक बार और देखो, चेक करो कितना इन्होंने अपना क्वार्टरली चेंज करा है, पिछले टाइम से कब कितना चेंज हो रहा है, FIIs की पोजीशन है क्या, म्यूचुअल फंड्स है क्या, DIIs है क्या, एंड है तो कौन से प्रकार के, आप तो सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ये सब नहीं है, स्टॉक भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, दूर रहो। पहला तो यही हो गया। दूसरा, इन्फ्लुएंसर, जैसे कि मैं भी हूं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं मेरी तरह, एंड यूट्यूब पे अनाप शनाप चैनल्स मिल जाएंगे आपको, एंड हर एक स्टॉक के बारे में आपके लिए बात करते मिलेंगे। हालांकि मैं अपनी वीडियो हमेशा लार्ज कैप या फिर बड़े मिड कैप पे ही वीडियो बनाता हूं, मैं स्मॉल कैप या फिर पेनी स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूं, एंड मैं उनसे हमेशा कहता हूं इनसे दूर ही रहना एक बेटर ऑप्शन है। सेकेंड थिंग, ये इन्फ्लुएंसर्स केवल बात करते हैं, एंड आप लोग केवल और केवल इनको क्या सोचते हो कि ये इन्होंने अच्छा बोला, दैट मींस बाय। एक बात खुद सोचो, मेरे को एग्जांपल ले लो, मैं दिन में 10 वीडियो बनाता हूं, मैं 10 शेयर खुद खरीदता हूँ क्या दिन में, एंड नेक्स्ट डे क्या 10 शेयर बेचता हूँ, ये प्योर प्योर ट्रेडिंग व्यू होता है। एंड सेकेंड थिंग, ये आपको राय दे रहे हैं, ना कि आपसे कह रहे हैं ट्रेड इनिशिएट करो, एंड ये फैसला आपका होता है, एंड आप इन्फ्लुएंस होके गलत फैसले लेते हो। इन्फ्लुएंस होके केवल सुनना होता है, करना नहीं होता।
थर्ड, टीवी पे बिजनेस चैनलों को देखकर आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लाइक जैसे ही वो लोग बोलते हैं वैसे ही स्टॉक गेन करता है। पता है क्यों? क्योंकि भाई आप जैसे ना बहुत सारे लोग वो टीवी देख रहे हैं, एंड जैसे ही किसी ने बोला कि ए शेयर बढ़ने वाला है यहां खरीदो, वो टारगेट वो उस टाइम ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके पास टीवी में जो शो होता है वो 22-25 seconds डिले होता है। आप इतना हमेशा याद रखना, 22-25 seconds डिले होता है टीवी में जब वो लोग बोलते हैं आप तक पहुंचने में। एंड जब वो बोलेंगे ना उससे पहले स्टॉक रिएक्ट करेगा, एंड आप हो गए ये तो भाग रहा है, आप खरीद लोगे, एंड आप खरीदोगे, एंड सडनली क्या होगा, बाइंग सेंटीमेंट बनेगा, ऊपर ले जाएगा एंड तुरंत बाइंग सेंटीमेंट रुकेगा, जैसे ही हो जाएंगे एंड तुरंत गिर जाएगा एंड आप फंस जाओगे। तो ये एक और वे है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। एंड लास्ट एक और वे मैं आपको बताऊंगा, जो सेबी ने एक फ्रॉड पकड़ा है, कंपनी खुद ही बाय करती है स्टॉक को, उठाती है एंड मैसेजेस डिलीवर करती है, एंड आप जब उस स्टॉक को देखिए पहुंच तो रहा नहीं आप तक, तो ऐसे पहुंचाया जा रहा है मैसेज के द्वारा। तो कोई भी स्टॉक आप तक खुद पहुंच रहा है या आप सर्च करके पहुंच रहे हो पेनी स्टॉक में, वो एक रिस्क वाली आपके लिए ऑप्शन है। मैं आपसे कहूंगा कम कमाएं, टाइम ज्यादा दें, बड़ा अपने आप बनेगा। बहुत बड़ा सेंटेंस है छोटे से वर्ड में, कम कमाएं, समय ज्यादा दें, बड़ा पैसा बन जाएगा। 13% की कैगर से 15 साल होल्ड कर लिया ना, 1 करोड़ रुपए बना लोगे 13% की कैगर से। यार 13% कौन सा स्टॉक नहीं दे रहा, रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आप ढूंढते हो 60% रिटर्न मिल जाए एक साल में, वो आपके लिए खतरा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पेनी स्टॉक से दूर रहें, किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आके खरीदे ना, केवल सुने एंड उसके बाद खुद रिसर्च करें, किसी एनालिस्ट की बातों में आके खरीदे ना या बेचे ना, खुद रिसर्च करें, किसी भी पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगते देख खरीदे ना, क्योंकि वो एक मैनिपुलेशन हो सकता है, एंड आजकल बहुत सारे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन हो रहा है। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।